बाबू ने कहा है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि कोई भी गलत नहीं है, सब निर्दोष हैं। देखिए सिस्टम में बापूजी के लोग भी बैठे हैं जेल के अंदर। जो आश्रम वाले चाहते हैं कि बाहर नहीं आए, इसलिए बापूजी अंदर ही खत्म हो जाएं, इसलिए बापूजी को 3 बार जहर दिया गया। पता कैसे चला? पता से चला, कोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी कि बापूजी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। जो सिर्फ बयान दर्ज हुए हैं लोगों के, उसके बेस पर बापूजी को सजा दी गई है। एक लड़की की बात को इतना उछाल दिया गया तो हजारों बेटियों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? बापू श्राप राप देंगे इनको? नहीं, श्राप को मतलब कह के देंगे श्राप? श्राप नहीं देते, संत आशीर्वाद देते, श्राप नहीं देते। मोदी जी तो बापूजी के पास जाया करते थे और बापूजी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि 2 बार आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे। अच्छा, कि अच्छे आप तीसरी बार नहीं बनेंगे? नहीं, तीसरी बार कैसे बनेंगे? अगर कोई ठग व्यक्ति ठग ले तो उनको उपाय कौन दिलाएगा, रास्ता कौन देगा? सरकार, सरकार का काम है, सरकार को ये काम करना चाहिए। आदिवासी तो कह रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म में आना ही नहीं है क्योंकि उन्हें लालच दी जा रही है ना। क्या लालच दी? लालच उन्हें क्या चाहिए? एक गरीब व्यक्ति को पैसा चाहिए, उनका कपड़ा खाना पीना ये सुविधाएं उसे मिल रही है तो वो तो किसी भी धर्म में पहुँच जाएंगे। आशाराम बापू को जानते हैं आप? उनकी योगिक शक्ति को जानते हैं आप? उनके फॉलोअर्स को जानते हैं आप? इन सभी में बड़ा तेज हुआ करता था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनको एक साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है। ये साजिश क्या थी? ये फॉलोअर्स कौन थे? फॉलोअर्स इनमें से मोदी जी भी थे। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही तेज नहीं बरसता है मोदी जी पे, बापू की कृपा है। बापू की कृपा रही तो एक दिन हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए? हम मथुरा से आए। मथुरा से आए। क्या बापू कुछ क्यों अत्याचार करना कर रही है सरकार और पिछली सरकारें? बापू जी पे अत्याचार इसलिए कर रही है कि बापू जी केवल मनुष्य मात्र के भलाई चाहते हैं। हाँ। और ये लोग अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए अंधे हुए पड़े हैं। बापू जी चाहते हैं सबका मंगल सबका भला हो। हाँ। इसलिए इनके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। बापू जी कहते हैं कि जैसे कि लोग दारुआ पीते हैं और नशीले पदार्थ यूज करते हैं, उनके लिए छोड़ने के लिए कहते हैं, और बापू जी जो संपर्क के आ जाते हैं वो सब छोड़ देते हैं। इसलिए इनका कंपनियों को चलाने वालों को बड़ा घाटा होता है, इसलिए बापू जी के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सरकार कोर्ट तो कह रहा है कि बापू के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, ठीक है, सबूत सही नहीं हुआ, एक भी सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है बापू जी के खिलाफ। अच्छा, कोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी कि बापू जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। जो सिर्फ बयान दर्ज हुए हैं लोगों के, उसके बेस पर बापू जी को सजा दी गई है। अच्छा, बयान हो सारे बिके लो, बुके वालों। यस, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, सिर्फ एक लड़की ने बापूजी पे इल्जाम लगाया तो उसे सबने मान लिया, और जो हजारों बहनें इकट्ठी होकर उनके लिए बोलती हैं, बेटियां बापूजी की बहनें, उनके पास सरकार की, तो सरकार वो लड़की झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, उससे झूठ बुलवाया जा रहा है। मैं नहीं बोलूंगी कि झूठ बोल रही है, उसे झूठ बुलवाया जा रहा है। अच्छा, बापूजी की बढ़िया 5 क्वालिटी बताओ। बापू जी की क्वालिटीज ही क्वालिटीज है, एक क्वालिटी हम बता ही नहीं सकते उनके बारे में। एक क्वालिटी बता ही नहीं सकते? एक क्वालिटी कुछ है ही नहीं बताने। बापू जी क्वालिटीज के भंडार हैं। बापू जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है हमारे लिए इस धरती पे। हम बापू जी की बेटियां होने के बावजूद ये बात बोल रहे हैं, एक बेटे की एक लड़की की बात को इतना उछाल दिया गया तो हजारों बेटियों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? आप कह रहे हैं जहर दिया था बापू जी को? हाँ, आश्रम के अंदर ही जो मनचंदे हैं, जो आश्रम वाले चाहते हैं कि बाहर नहीं आए, इसलिए बापूजी अंदर ही खत्म हो जाएं, इसलिए बापूजी को 3 बार जहर दिया गया। पता कैसे चला? पता से चला, बापूजी को उल्टियां हो गई थी। हाँ। गर्मी का समय था, जब उसमें देखा तो नीला नीला था, तो बाप पता लगा। आपको कैसे पता चली ये बात? ये इंटरनल सोर्स है आपके? ये जो कुछ लोग अंदर हमारे जो लोग थे, हाँ। उन्होंने हमें बताया गया। बापूजी के भक्त अंदर भी है? अंदर भी है, 5 लोग तो 5-7 लोग तो हमारे आश्रम मैनेजमेंट के अंदर बैठाए रखे हैं, जबकि अनलीगल है वो। इसीलिए लाके बैठाए हुए हैं कि बापूजी से कोई अगर हमारा जैसा कोई बाहर का व्यक्ति मिल करके कहीं बापूजी को सत बात बता के नहीं चला जाए, इसलिए उनकी बड़ी निगरानी रखते हैं वो लोग। देखिए सिस्टम में बापूजी के लोग भी बैठे हैं जेल के अंदर। जेल प्रशासन बिका हुआ है, जो पैसा देता है उसको बापूजी से मिलने देते हैं, जो पैसा नहीं देता उसको मिलने नहीं। आप भी पैसा देके मिलने चले जाओ। नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और नहीं सुनते, हम लोग को जाने ही नहीं देते। आप पैसा नहीं देते क्या? दोगे तो भी नहीं जाने देंगे। अच्छा। उनकी नजर में आ चुके हैं, इसलिए हमें तो पैसे से भी नहीं जाने देंगे अंदर, क्योंकि हमें उनका पर्दाफाश करते रहते हैं हम।
अभी अभी गुरु पूर्णिमा पर भी हमने 15-20 हजार लोगों के सामने आश्रम मैनेजमेंट की और लीगल टीम की सबकी पोल खोला है हमने माइक पे, एक घंटे तक रोड पर घूम घूम कर हमने स्टेंजर से सबको सुनाया है, पंपलेट बांटे हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, ऐसे सबकी पोल खोला हुआ है, इसलिए हम तो पहले ही उनके फोटो नज़र में है, इसलिए हमको तो वो जाने भी नहीं देंगे अंदर। हमला भी करने के लिए तैयार है और हमला भी किया था हम पे। ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट दिखा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने आशाराम बापू के समर्थन में ट्वीट किया है, देखिए। अरे वाह, ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी भी आशाराम बापू के समर्थन में, सच्चाई के समर्थन में। अच्छा जी, सच्चाई के समर्थन सही है, सच्चाई के समर्थन में है। ट्रस्टी ही लोग ही नहीं चाहते, आश्रम के ही लोग ही नहीं चाहते कि बापू बाहर आए। उन्हीं का पूरा आज तक, बापू बाहर आ गए तो क्या करेंगे, बापू अंदर रह के क्या करेंगे, क्यों रख रखा है बताइए, आप क्या करेंगे अगर बापू बाहर आ गए? समाज का भला होगा, जो आप समाज का भला होगा, बिल्कुल हम करेंगे। बापू जी दोबारा बाहर आके शराब छुड़वाएंगे लोगों की, लोगों के धर्मांतरण रुकवाएंगे, इतना धर्मांतरण हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है धर्मांतरण हो रहा है? कौन कर रहा है धर्मांतरण? जो लोग अपने धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म में लेके आना चाहते हैं हम लोगों को। कौन कर रहा है धर्मांतरण बताइए? देखिए बापू जी को अंदर क्यों किया गया है, क्योंकि बापू ने बहुत सारे सेवा कार्य किए जिसमें सबसे पहले धर्मांतरण था। धर्मांतरण मतलब बापू जी ने जो ईसाई बन चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, तो उससे ये बौखलाई जो विदेशी शक्तियां थी बापू जी के ऊपर हावी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने राह का बड़ा नेक्सस बता रहे हैं। हाँ, अपने राह का रोड़ा समझा, तो इन्होंने पहले सबसे आश्रम के लोगों को अपने फेवर में लिया। हाँ, आदिवासी इलाकों में, क्योंकि बापू जाते थे वहाँ कीर्तन भजन और उनको हिंदू धर्म में लाए वापस। आदिवासी तो कह रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म में आना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लालच दी जा रही है ना। क्या लालच दिया? लालच उन्हें क्या चाहिए, एक गरीब व्यक्ति को पैसा चाहिए, उनका कपड़ा खाना पीना ये सुविधाएं उसे मिल रही है तो वो तो किसी भी धर्म में पहुंच अच्छा। जाएंगे। लेकिन अगर एक पैसे के लिए अपना धर्म वो बदल रहा है तो उसको ज्ञान की जरूरत है। आइए सर, रेप का इल्जाम लगा है बापू पे, बताइए रेप के समर्थक था आप, रेप करने वाले के समर्थन में आप? रेप हुआ ही नहीं है, तो हुआ ही नहीं है आपको पता? देखो आप जाके पेपरों में देखो, पेपरों में अगर आप मिलते रेप हुआ है तभी तो हो सकता है। आप रिपोर्ट को देखो उसके बाद बोलो, आप ऐसा मत बोलो, रिपोर्ट को देखो आप। देखिए हाँ, आप महिला ओके एक बच्ची का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप जो अप्रेसर है उसका समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के समर्थन क्या नहीं कर रहे हैं हम, गलत क्या कर रहे हैं, मतलब गलत क्या हुआ उसमें बताइए। उसमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाए, मेडिकल रिपोर्ट दिखाए गए जिसमें कि भाई रेप हुआ या कुछ भी कोई भी असल्ट हुआ तो वो दिखाए भाई, प्रूफ करे गवर्नमेंट कि भाई जो भी है कोर्ट प्रूफ करे, प्रूफ मांगे तो प्रूफ है हमारे पास। अच्छा चलिए आप कह रहे मेडिकल का बताएं, तो अवैध संपत्ति का भी तो इल्जाम है। कौन सी अवैध संपत्ति है, कहाँ कहाँ निकाली अवैध संपत्ति आश्रम, मतलब किस चीज की अवैध संपत्ति वो बताइए ना, अवैध संपत्ति किसकी? अवैध संपत्ति किस चीज की है? संपत्ति तो क्या ही भाई, किसकी पहुँच रही है? हम लोगों के द्वारा जो समर्थकों ने बनाई है, समर्थकों के पैसों से बनी है, जनता की है, उनका कुछ नहीं है, बोलते रहो कुछ भी रहो। तो मोदी जी तो फॉलोवर है उनके, मोदी जी है तो मदद नहीं कर रहे, अंदर जेल में रखे हुए हैं। राजा है प्रजा के लिए, तो भाई हमें आवाज प्रजा को उठाना है आवाज, मोदी जी आपके आपके गुरु को जेल में डलवा दिया तो आप समर्थन नहीं कर रहे? मोदी जी ने नहीं डलवाया, ये मिशनरियों का काम है, ये सोनिया का काम है, ये सोनिया हाँ सोनिया का काम है ये। तो मोदी जी से बोलिए बाहर निकलवाएं, मोदी जी क्यों निकलवाएंगे बाहर, प्रजा जाएगी निकलवाने के लिए, राजा के पास राजा नहीं उठाता। अच्छा आपके गुरुजी को सरकार ने जेल में रखा हुआ है और वो तो सरकार के समर्थक भी थे, है ना, मोदी जी की वीडियो है आसाराम बापू के साथ। मोदी जी तो बापू जी के पास जाया करते थे और बापू जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि दो बार आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे। अच्छा कि अच्छे आप तीसरी बार नहीं बनेंगे? नहीं, तीसरी बार कैसे बनेंगे। अच्छा उन्होंने समर्थन किया तो वो उसके बाद मोदी जी तो वहाँ पर गए नहीं। अच्छा बापू जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का उनको पता था कि वो दो बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको अपना नहीं पता था कि वो जेल जाने वाले हैं? कैसे संत पुरुषों को तो सब कुछ पहले पता, उनको पता था कि जेल जाएंगे, आकाशवाणी की हुई थी उन्होंने 2004 में की सीडी दे लगा के, देखो उन्होंने पहले आकाशवाणी की हुई थी। 2004 से मिशनरियां बापू के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा और 2004 से ही बापू ने कहा था
षड्यंत्र रचा जाता है तो पहले ही इशारा तो पता लग जाता, हम सीधे बंदों को पता लग जाता। हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म गुरुओं के साथ ऐसा हो रहा है? हिंदू धर्म के साथ ही ऐसा होता है, बाकी धर्मों के साथ ऐसा बात है, बाकियों के साथ नहीं होता है। बाकियों के साथ क्योंकि मीडिया सबसे बड़ी है इसमें। मीडिया को चाहिए था कि भाई 800 करोड़ दो हमें, नहीं तो बदनाम करें। मीडिया ने, मीडिया 800 करोड़ मांग रही थी। हाँ जी हाँ, अच्छा जी, मीडिया 800 करोड़ मांग रहा था जी। मीडिया ने पैसा मांगा ही है, कम मांगा मीडिया ने पैसा। आज तक चैनल वाले ले लो, दूसरे जो भी चैनल आज तक ने पैसा मांगा था बाबू से, जो पैसा त्रिपाठी चित्रा त्रिपाठी दीपक चौरसिया कहाँ है आज? अच्छा दिखाना, हमारी जरूर दिखाना। आज कोर्ट के चक्कर लगा रहा है दीपक चौरसिया, जाओ सुन देखो। दीपक चौरसिया नहीं, दीपक चौरसिया, 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 अच्छा चौरसिया, इसे हाईलाइट करो कि आज कोर्ट के चक्कर लगा रहा है दीपक चौरसिया। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो इनका इनका कुछ होगा, बाबा बापू श्राप राप देंगे इनको? नहीं, श्राप कोई मतलब कह के देंगे, श्राप नहीं देते, संत आशीर्वाद देते, श्राप नहीं देते। ऐसी ऐसी भ्रष्ट मीडिया को भी आशीर्वाद ही देंगे? बिल्कुल देंगे, वो तो प्रकृति उनके उनसे निपटेगी, प्रकृति प्रकृति अपने आप उनसे निपट लेगी। वो जाने भैया हम क्या करें जी, अब वो बापूजी श्राप देंगे कि आशीर्वाद देंगे, अब वो जाने बापूजी। आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ तो जानकारी? नहीं बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, हमारे आज आज दीपक चौरसिया कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, ये सबसे बड़ा है प्रकृति का, प्रकृति अपना काम कर रही है। अच्छा, तो प्रकृति नहीं फिर बाबू को जेल में डलवा? तो प्रकृति जो भी कुछ, प्रकृति बाहर ले, सबसे बड़ी मीडिया है, प्रकृति कर रही है अपना काम, जनता क्यों करते हैं? वो लिखाई है मतलब रिपोर्ट, बिस्तर गोल होगा, सोनिया का तो हो ही रहा है। अच्छा जी, मीडिया का भी होगा। मोदी जी नाराज नहीं है? मोदी जी काहे को नाराज होंगे, मोदी जी सब देखो राजा है, वो राजा राजा है। हाँ, राजा प्रजा के बारे में नहीं सोचता, तो प्रजा जाएगी तब सोचेगा ना राजा। आप तो आए हैं, आपके बारे आपसे मिलने ही नहीं आ रहे हो? क्यों, यहाँ किससे मिलने आते हैं? हाँ? और भी तो संस्थाएं खड़ी हुई हैं। हाँ? किससे मिलने आते हैं मोदी? हिंदू धर्म के समर्थन में तो आएंगे, हिंदू समर्थन, मान लो अगर वो समर्थन में आ गया मिशनरी मोदी को भी अंदर कर देंगी। अच्छा जी, हाँ जी पक्का है, मोदी को भी कर देंगी। हाँ, जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होगा। हाँ? मिशनरियों उसको भी अंदर कर देंगी, जैसे बापू को अंदर करा मिशनरियों ने। अच्छा जी, हाँ जी, मोदी मोदी जी बचेंगे नहीं? मिशनरियों मोदी को भी अंदर करेंगे। बचेंगे कैसे? 24 में आप देख लीजिए, खुदे पता चल जाएगा। सहारा का पेमेंट 12 लाख का आदमी है ना, और उनको परिवार मिला लीजिए तो कितना लाख हो जाए। आप सहारा वाले हैं? हाँ है एकदम। बापू ने कहा है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, आने वाला टाइम वही होगा। मिशनरियों ने जो बताइए सर, सर हम लोग सहारा से पीड़ित हैं, सहारा में 12 वो तो हमने पूरा कवर किया है, कर लिए ना। हाँ जी, तो कहना है कि ये सरकार जो है, हम लोग जो चुनते हैं, जब ये सरकार, हम लोकतंत्र चलता है भारत में, लोकतंत्र में कौन होता है? जनता मालिक होता है, जनता ने चुना है, जनता ने गद्दी में बैठाया है, आज वो जनता पीड़ित है, आज वो जनता के लिए कौन काम करेगा? हम अगर कोई ठग व्यक्ति ठग ले तो उनको उपाय कौन दिलाएगा, रास्ता कौन देगा? सरकार, सरकार का काम है, सरकार को ये काम करना चाहिए। सरकार काम करते तो आज हम लोग यहाँ जमा नहीं होते, आज एक ने ठगे हैं, उनको अगर सरकार ध्यान देते है, ये जो जनता के लिए हैं तो उनको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये जनता तब तक न्याय नहीं। आप लोग तो कह रहे थे कि मोदी जी बढ़िया काम करते हैं, काची रहेंगे सर, आप लोग तो खाली कहते हैं कि मोदी सरकार कोची कर रहा, हम लोग के सुन रहा पीढ़ी। हम लोग जितना दर्द में अभी गुजर रहे हैं सुन रहा है, मोदी नहीं सुन रहा है, न सुब्रतो राय सुन रहे हैं। तो वोट तो आपने दिया था? वोट तो हम लोग जान के दिए थे, विश्वास पे दिए थे, विश्वास पे दिए थे। हाँ, इसलिए दिए थे कि हिंदू था, हिंदू काम करेंगे करने के लिए दिए थे। अच्छा, इस बार पता चल जाएगा उनको, हिंदुओं का भला नहीं करते। संत महात्माओं को जो सताए जा रहे हैं उनको निर्दोष हटा दे, बाहर निकाले, हम वोट जब तक जिएंगे मोदी को ही देंगे। देखिए ठीक है भाई, हम लोग भी देंगे, नहीं देंगे क्यों नहीं, एक चीज बता देते हैं। ये आप आशाराम बाबू के समर्थक हैं? नहीं, हम हिंदू से जितने हमारे साधु संत जेल में बिठाए गए हैं, क्या सब गलत हैं? इसे सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि कोई भी गलत नहीं है, सब निर्दोष हैं।
ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? एक बार वोट दिया, दो बार दिया, तीसरी बार फिर देंगे, ये उसको सोचना चाहिए। हम इसलिए अगर सरकार मैं इतना ताकत रखती हूँ कि मैं उनके ऑफिस में भी जाके ये वर्ड बोल सकती हूँ। किनके ऑफिस में? मोदी जी के। अच्छा जी। भाई के, मोदी भाई के। मोदी भाई? हाँ हाँ। आपको, आपसे तो मिलने ही नहीं आ रहे हैं। वो क्यों मिलने आएंगे, उनको क्या तकलीफ? तकलीफ तो हमें हो रही है, दर्द तो हमें है कि हम बारिश में गीले होते कोट और बर्तन लेके घूम रहे हैं, गाड़ी बंगला होते हुए भी रोड पे घूम रहे हैं। बढ़िया जी। देखिए समर्थन तो है सरकार के प्रति, समर्थक हैं सरकार के, लेकिन परेशान भी हैं। जिस सरकार को इन्होंने वोट दिया वही सरकार इनकी आज बात नहीं सुन रही, ठीक है? जिनकी, जिनको इन्होंने वोट दिया, इनकी चुनी हुई सरकार है। अगर इनका पैसा वापस मिल जाए, अगर इनके बापू आप बाहर आ जाएं, तो इनका सरकार से कोई बैर नहीं है, ठीक है? अब लोकतंत्र क्या है, इनसे सवाल किया जाएगा। अब क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इनसे सवाल किया जाएगा। तो फिर जो है वो पॉलिटिक्स गड़बड़ा जाएगी। जब तक एक लाइन में सवाल चलते रहे ना, तब तक बढ़िया है। जहाँ लाइन से इधर उधर हुए, ये पिघल जाते हैं, ठीक है? इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके के सवाल हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।